आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इससे पहले संभावित मंत्रियों को फोन कॉल्स पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जो खबर मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, अब तक कई संभावित मंत्रियों को फोन कॉल्स जा चुके हैं। इनमें राजनाथ सिंह शामिल हैं, नितिन गडकरी का नाम शामिल है, पीयूष गोयल हैं, कुमार स्वामी हैं, चिराग पासवान हैं, जीतूराम मांझी हैं, अनुप्रिया पटेल का भी नाम बताया जा रहा है। ये तमाम नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा। तो मंत्री बनने वालों में पीयूष गोयल का भी नाम है। हिमांशु मिश्रा इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं लगातार। हिमांशु, अब क्या ब्रेकिंग न्यूज है और इस वक्त क्या अपडेट है, किस किस को फोन जा चुका है, कुछ और नया जो नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, जो ऐड हो रहे हैं? हिमांशु, चलिए हम दोबारा हिमांशु का रुख करेंगे, तब तक हम कुमार अभिषेक के पास लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है इसको लेकर जानकारी देंगे कुमार अभिषेक। अभिषेक, जानकारी मिल रही है कि अनुप्रिया पटेल को भी फोन जा चुका है? देखिए, मेरी जानकारी जो है उसके मुताबिक अभी तक फोन नहीं आया है। ये जरूर है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक अनुप्रिया पटेल को फोन नहीं आया है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है देर सवेर उन्हें भी फोन आ जाए, लेकिन जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक उनके पास फोन नहीं आया है। बिल्कुल एक क्रेडिबल सोर्स से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पर निगाहें बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निराशा भी है। निराशा इस बात की कि जो बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाती, सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से बीजेपी पिछड़ गई है, ऐसा भाव इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बीजेपी के भीतर दिखाई दे रहा है। तो क्या ये रिफ्लेक्ट होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार में, ये बहुत अहम है और शायद ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि कई मंत्री पहले ही हार चुके हैं, ऐसे में बहुत कम गुंजाइश है कि कुछ ही मंत्री बनेंगे। हाँ। बहुत ज्यादा अभिषेक नजर बनाकर रखिएगा। फौरन हम रुक कर लेते हैं कुमार अभिषेक का, हिमांशु मिश्रा का, दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, इस वक्त क्या आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है, क्या दर्शकों को जानकारी देंगे? देखिए, जहां तक अभी तक जानकारी आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो कॉल चला गया है, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, इनको कॉल चला गया है। मैंने पहले भी बताया था कि राजनाथ सिंह जो है वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहे कि गठबंधन को कितनी सीटें कैबिनेट में जगह देनी है और साथ ही साथ कौन कौन से प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे, उन सारे समीकरणों की चर्चाओं पे जो है राजनाथ सिंह शामिल रहे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के साथ। तो उनको भी कॉल आया है और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल जो है वो पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि और कितने चेहरों को जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार कैबिनेट से ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव में हार भी गए हैं, क्या उनमें से किसी को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी? हाँ। ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है जिनको चुनाव हारे हैं उनको भी जगह मिली है। ये मानकर चला जा सकता है कि तमिलनाडु से जो है वो कैबिनेट में एल मुर्गन, जो पिछली बार भी जो है तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, क्या इस बार भी उन्हें कैबिनेट के अंदर जगह मिलेगी? उनको एमओएस बनाया गया था फिशरिंग और साथ में जो है आईएनबी में वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, जहां तक हमारी जानकारी है उनको भी जो है वो इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश जिसने 29 की 29 सीटें दे दी भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव भी लड़े थे इस चलिए इस पर अपडेट अशोक सिंगल से हम ले लेते हैं। अशोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए, जो अभी इन्फॉर्मेशन है दर्शकों को बता दीजिए और मध्यप्रदेश को लेकर भी थोड़ा बताइएगा। हर राज्य से हम जानकारी दर्शकों के बीच रख दे रहे हैं। देखिए, सुबह से ही कॉल 7 बजे के करीब से फोन जाने शुरू हो गए थे सब नेताओं को और स्टेट वाइज किस किस को बनाना है, क्योंकि 11:30 बजे प्रधानमंत्री से जो चाहे हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है जो मंत्री बनने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान इस बार अच्छे खासे मतों से जीते, 8 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो जीते हैं और कई बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात है। हालांकि अध्यक्ष को लेकर भी नाम चल रहा है उनका, लेकिन कैबिनेट में भी उनका नाम शामिल किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही है और अच्छा खासा उनको महत्व दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया है और कई लोगों को, क्योंकि 29 की 29 सीटें वहां से
जीती है बीजेपी ने। इसके अलावा बाकी राज्यों में चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय संतुलन हो, उनको देखते हुए अकोमोडेट किया जाएगा। और जहां पे आने वाले चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है आने वाले दिनों में, उनको भी ठीक से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वहां की सिचुएशन को देखते हुए। तो जो कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा है, कैबिनेट प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, अपने मंत्रियों जो कैबिनेट बनेगा उनका, उसमें तमाम ऐसे चेहरे होंगे जो कई बार से जीते हैं और परफॉर्मेंस भी आधार रहेगा, लेकिन साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। तो वो उसको देखते हुए आज सबको फोन कॉल किए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कुछ लोगों को फोन कॉल चले गए हैं, कुछ को अभी जाना बाकी है। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। अब जल्दी से हम आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, मुझे लगता है कि शायद आप जीतन राम मांझी की आवाज पर मौजूद हैं, तो क्या हलचल है, फोन गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा वजन इस बार बिहार का होगा मंत्रिमंडल में। दानिश भाई जरा बता दीजिए दर्शकों को, कॉल आया कि नहीं? कॉल आ गया है, अच्छा। हमारे नेता अमित शाह जी पहली कंफर्मेशन है, तो अभी वहां मुलाकात होगी, फिर प्रधानमंत्री आवास पर। आप देख, अरे यहाँ फोन लेके बैठे हुए तो बार बार चेक हो रहा था नेटवर्क है कि नहीं मोबाइल में। मैंने तो फोटो भी ली, उनके जो सहयोगी बाहर निकले, एक तस्वीर दिखा देते हैं। जीतन राम मांझी बाहर निकल रहे हैं और आज सांसद होके अंदर गए थे, बाहर निकले हैं, तो अब कैबिनेट में मंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। जीतन राम जी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात के बाद वो जाएंगे प्रधानमंत्री आवास पर। और जैसा कि देखा जा रहा था कि बिहार में जो गठबंधन के साथी हैं वो सबसे बड़ा सपोर्ट होंगे मोदी सरकार 3.0 के लिए, और बधाइयों का तांता लग गया है, बहुत सारे लोग आए हैं बधाई देने के लिए, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मांझी जी अभी कौन सा मंत्रालय मांगे हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जरा नीचे लिए चलते हैं आपको, और इस जमावड़े से आप समझ सकते हैं कि भले उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या बीजेपी के पास ज्यादा हो, लेकिन इस बार बिहार का वजन शायद केंद्र की राजनीति में ज्यादा होगा। और इसी के वजह दानिश रिजवान को दरअसल बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कि यहां से निकले, हम थोड़े जाएंगे, अजय जी जरा आगे आइए, यहां से देखते हुए कई सारे लोग हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर के आए हैं स्वागत के लिए। और बिहार निवास पर आज जो हलचल है, वैसे तो यहाँ पर राज्य के कई सारे मंत्री हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, आरजेडी के भी नेता रुके हुए हैं, मतलब बिहार भवन की डिमांड ज्यादा बढ़ी है नजर है। और यहाँ गाड़ी तैयार कर दी गई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि मैंने एक चीज जो ये नोटिस की और ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब पूरे केंद्र में दरअसल बिहार पर ज्यादा नजर रहेगी, मंत्रालय कौन सा मिलता, पोर्टफोलियो क्या होगा, कितने मंत्री होंगे, क्योंकि जो सत्ता की सबसे बड़ी ताकत होगी, कहते हैं कि इमारत की जो नींव है वो मजबूत नींव इस बार बिहार होगी, और जब नींव मजबूत होगी तो जाहिर है उसकी अपनी डिमांड होगी कि उसे कितना पानी कितना सीमेंट चाहिए। सूत्र बता रहे हैं इस पर भी बता दीजिए आशुतोष, 2014 में देखिए चार थे, 2019 में पांच हो गए मंत्रियों की संख्या, 2024 में कितने, आठ होंगे या कुछ और, क्योंकि बीजेपी जेडीयू एलजेपी सबको वहां पर एडजस्ट करना है। देखिए ये संख्या इस पर निर्भर करती है कि अभी कितनों की जरूरत है, और अभी तत्काल प्रभाव से आपको सरकार शुरू करनी है, शपथ लेना है, तो इसके लिए कितनी जरूरी है, तो संभवतः ये संख्या अभी हो सकती है कि मिनिमम लोग हों और मैक्सिमम सरकार चले। जीतन राम मांझी को देख लीजिए, यहां से एनडीए के सांसद के तौर पर निकल रहे हैं, नया कुर्ता है, सिर्फ वाला नया कुर्ता है, बनता भी है, बहुत सारे लोगों ने सिलवाया होगा, अब ये जाहिर है जश्न उन्हीं का होगा, हाथ जोड़ रहे हैं, मुस्कुराहट है। और मैं आपको बताऊं, सबसे दिलचस्प ये था कि जब मैं इनके कमरे के बाहर खड़ा था, इनके जो सहयोगी थे कम से कम 10 से 12 बार बाहर निकल के, और मैंने मजाक मजाक में ये भी पूछ लिया कि मोबाइल के फोन में मोबाइल नेटवर्क वा चलत बा कि ना, फोन वा चेक कर ला कि नहीं, वो बार बार चेक कर रहे थे कि फोन में कोई दिक्कत तो नहीं है, नेटवर्क आदि सबको कॉल आ रही है। और यहाँ तक कि टीवी पे तो खबर बज गई कि जीतन राम मांझी को कॉल आया, कह रहे भैया हमरे लगे तो कॉल में ना आई, जो उधर दानिश रिजवान अलग खड़े थे कि भाई सबको कॉल आ रहा, हम तो कह रहे हैं दानिश भाई इधर आइए। सबसे जरा दिलचस्प घटना बताइए, आप सब वो मोबाइल वा लेके इंतजार कर रहे तो नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आता तब क्या होगा? कि जब आप टेलीविजन चैनल पे चला रहे थे कि फोन आ गया है, फोन आने वाला है, तो निसंदेह आज तक ने खबर दे दी तो कोई शक रह जाता है क्या? कोई शक तो नहीं था, तभी तो इंतजार कर रहे थे ना, आपने जब खबर दे दी कि फोन आ रहा है तो ठीक है आशुतोष, और हम लोग इंतजार, चलिए खुशी चेहरे से दिख रही है निश्चित तौर पर। आशुतोष आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम सहयोगी जुड़े हुए।